विजय भाई, आपने तो फिल्म में बनाई है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? किसी ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाली जो चीजें हैं उसे लोग बहुत गंदा भी मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सही है, इससे कई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कोई एक्चुअली लड़कियां भी ऐसी है कभी सामने से ऐसे बोलती है कि भाई हमको आप बोलोगे ऐसा करेंगे, हमको काम दो, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो काम करने आया है तो काम ही करने वाला है। एक या एक हाथ से ताली नहीं बजती, सामने निर्णय ले ले वो लड़कियां कि हमको काम ही करना है बाकी कुछ नहीं करना है तो नहीं होगा आगे। लेकिन साहब जी, सी आई अग्री, आपका साथ कहना सही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन एक वो एक हाथ से चपटी बजती है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट के वो जो आप जो जबरदस्ती वाली तालियां बजाते हो, चलो मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी, उसमें अभी मेरे को कुछ नहीं बोलना, लेकिन आप जो जबरदस्ती वाली तालियां बजाते हो हमें उससे प्रॉब्लम है। और अभी आपने जो बोला कि लड़कियां सामने से आके बोलती है, तो ऑब्वियसली अगर वो हो सकता है बिकॉज उनके दिमाग में ये डाला गया है, या बेचारे के साथ दो चार बार ऐसा हुआ अगर उसने मना किया होगा और अब जब कहीं रोल नहीं मिला तो वो डेस्परेशन आके बोलती है, दैट इज आप तो अच्छे लोग हो, तो अच्छे लोग सामने से नहीं बोल नहीं सकते कि नहीं बेटा या जो भी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, आपकी टैलेंट पे ही हम आपको लेंगे, हम ये सब में नहीं जमानते हैं। आप ये भी तो कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव मैसेज जा सकता है ना इंडस्ट्री में, तो वो लड़की को कॉन्फिडेंस आएगी कि नहीं आप जैसे अच्छे लोग भी है, ऐसे लोग भी है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत ही है, हम लोग तो ऐसे ही चाहते हैं कि शोषण तो नहीं होना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन किसी को तो पहल करनी पड़ेगी कि वो कितना लंबा नहीं चलता, वो जो जेन्युइन उसमें काबिलियत होगी तो आगे बढ़ने वाली है, भले थोड़ी देर लगेगी। तो यही हमें सबको बताना है कि आपके आपके भी जो आपके दूसरे मित्र लोग हैं मॉडल के, कि अगर आपकी टैलेंट है तो आज नहीं तो कल, थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन आज नहीं तो कल निखरेगी जरूर, पर आपको खुद पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के काम पे भरोसा रखना है। और दूसरी बात कि जैसे सर ऐसे अच्छे लोग भी है, आप उनको अप्रोच करो, और अगर जो खराब है तो मार्केट में उनका नाम बिगाड़ो, वो बहुत जरूरी है। कि अगर कोई डायरेक्टर इस तरह आड़े वाले काम करता है या तो कास्टिंग डायरेक्टर करता है, तो आप उनका मार्केट पर नाम बिगाड़ो, भाई इसके पास नहीं जाने का, ये आड़े वाले काम कराता है, तो इससे क्या होता है कि वो सामने वाला भी फिर डर के रहेगा। हाँ, ये जरूरी है, सही है, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जय जी, अभी तक आपने इंडस्ट्री में इतने साल निकाले हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी खबरें हम लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये हर गुड़ में है। सही है, सही है ना, टॉलीवुड में है, ढॉलीवुड में, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मानते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि एक कैसा है कि आजकल जैसे नई जनरेशन की जो नई लड़कियां है ना, उनको ऐसे रातों रात स्टार बन जाना है, एक ये भी बात है कि उनको कुछ भी हो लेकिन मेरे को रातों रात स्टार बनना है, ये अगर वो मन में से निकाल दे और मेहनत करे तो जरूर ये अपने ये टॉपिक को अपने सफल बना सकते हैं। ऐसा जगर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने जैसे कहा कि हम लोग भी जाते हैं तो हुआ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनका कैसा रिएक्शन रहता है आपका? मैं तो थप्पड़ मार देती हूँ, जूता जूता निकाल रही है, जूता
मार दिया करो, अगर कहीं अगर जाते हैं बोलते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, अगर पहले सीधे नहीं वो ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़ाएंगे क्या बार ऐसे नहीं मानते, तो क्या मैडम आप शादी करो ना मुझसे, वो तुम शादी करने की बात बोलोगे क्या मुझे चल बात। लेकिन आप अगर ऐसे बोलते हो तो क्या उसका असर आपके करियर पे नहीं पड़ता? हाँ पड़ता है उसके लिए तो, अभी क्या इसीलिए तो अभी रह जाते हैं पीछे, और क्या 11 साल हो गए क्या इसीलिए तो पीछे रह जाते हैं। मैम अगर हम केस की बात करें, मुद्दे की बात करें कि जो त्यागी हीरोइन है उनकी बात करें हम, क्यों ऐसा होता है? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हीरोइन जो है ये लेवल की उनका भी कसूर बिल्कुल होगा, और कहीं ना कहीं फंसाने की भी साजिश जरूर लगती है। जैसे पारस्कर की बात करें तो उन्होंने स्टिंग करके दिखा भी दिया, वो प्रूव भी हो गया, लेकिन फिर भी आखिरकार पारस्कर को सजा भुगतनी पड़ी। इसमें लॉ भी तो जिम्मेदार है। इसमें मैं बता दूं एक बात, ये आजकल ये हो गया है कि आजकल लॉयर बोलो जो ज्यादातर दलाली करते हैं, दलील कम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कुछ कावा दावा करते हैं। अब पारस्कर के केस में सब कंफ्यूजन में आ गए जी, लॉयर जबकि लॉयर तो वो लड़की का लॉयर था जी, फिर भी उसने बोला कि नहीं मेरी लड़की का था, लड़की का लॉयर, लेकिन मुझे पता चल गया लड़की ने झूठ बोला। अब लड़की ने झूठ बोला नहीं बोला, स्टेज था, मैनेज था, वो सही में वो, क्योंकि वो तो एफएसएल में जाने के बाद रिपोर्ट आ गई, क्योंकि आजकल तो इतनी गंदगी फैल गई थैंक्स टू वो फोटोशॉप या थैंक्स टू ये सब जो काम हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, तो सर अपने को तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये सही है। जैसे फर्स्ट फेसबुक पे देखो या अपने सोशल एक्चुअली लड़कियां भी ऐसी है कि भाई सामने से ऐसे बोलती है कि भाई हमको आप बोलोगे ऐसा करेंगे हमको काम दो, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो काम करने आए हैं तो वो तो काम ही करने वाले हैं, तो ये क्या एक हाथ से ताली नहीं बजती। सामने निर्णय ले ले लड़कियां कि हमको काम ही करना है बाकी कुछ नहीं करना है तो नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रुझान मैम आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया झुनकार आपका, विजय भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आखिर यहाँ पर अब ये टटोलना बहुत ही मुश्किल है कि ये जो इंडस्ट्री पहले से ज्यादा गंदगी हो चुकी है, शायद पहले नहीं थी, धीरे 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 इसमें गंदगी बढ़ती जा रही है, उसको दूर कैसे किया जाए? जिन मॉडल्स को जिन अभिनेत्रियों को शॉर्टकट अपनाना है उनके ब्रेन वॉश कैसे किए जाए, और जो लोग इन मॉडल्स का इन अभिनेत्रियों का गैर फायदा उठाते हैं उनको भी कैसे रोका जाए, उनके लिए एक कमिटी बननी चाहिए। उनके लिए कानून है लेकिन ये कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत देश में ऐसे कई सारे कानून हैं जिनका पालन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस जो हम पढ़ते रहते हैं और हम ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इसका शायद कोई अंत नहीं। नमस्कार।